एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये आपके बालों की लगभग सारे प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकता है। ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। ये एक जेल बेस में है जिसका एप्लीकेशन बहुत इजी हो जाता है और इसको बनाना भी बहुत ही इजी है। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स चाहिए इसके लिए। ये आपके हेयर फॉल को तो एकदम जड़ से खत्म कर देगा, आपके हेयर ग्रोथ को दुगनी तेजी से बढ़ाएगा, डैंड्रफ को खत्म करेगा, और अगर आपके बाल रूखे सूखे और बेजान हो गए हैं तो ये आपके बाल को सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी भी बनाएगा। तो चलो देखते हैं इसको बनाना कैसे है और यूज कैसे करना है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे बहुत सारी ईजी और इफेक्टिव होम रेमेडी देखने के लिए। तो इसको बनाने के लिए हमें लेना है फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी। आपको ले लेना है 3 से 4 चम्मच अलसी और इसको वॉश करके एक पैन में डाल देना है और उसमें डालना है 2 ग्लास पानी और इसको 5 मिनट तक बॉईल कर लेना है। 5 मिनट के बाद ये कुछ इस तरीके का हो गया है। ये हमारा जेल रेडी हो गया है। अब आप गैस को बंद कर देना और इसको गर्म एक छन्नी की हेल्प से छान लेना। तो यहाँ मैं जेल को निकाल ली हूँ, आप देख सकते हो। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कैस्ट्रो ऑयल। कैस्ट्रो ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये हमारे बालों के ग्रोथ को दुगनी तेजी से बढ़ाता है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कोकोनट ऑयल और लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 ड्रॉप्स रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की। आपके पास हो तो आप इसमें डालना, नहीं हो तो स्किप कर देना। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि जो भी ऑयल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हो मैं इसको मिक्स कर ली हूँ और ये कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ इसको लगाना कैसे है अपने बालों में। तो इसको लगाने से पहले आप अपने बालों को अच्छे से सुलझा लें, आपके बालों में कोई भी ट्रैंगल ना रहे और आपके बाल क्लीन होने चाहिए। और फिर इसको ले करके आप अपने पूरे बालों में, स्कैल्प से लेकर के लेंथ तक पूरे बालों में अच्छे से लगा लें और लगाने के बाद इसको ओवरनाइट के लिए रहने दें। ये बहुत ही इजीली लग जाएगा, आप इसको ओवरनाइट आराम से रख सकते हैं अपने बालों में। नेक्स्ट मॉर्निंग आप अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू के साथ वॉश कर लेना और आप अपने बालों को नेचुरली ड्राई करना। फर्स्ट यूज में आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएंगे। ये बहुत ही ईजी है लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है हमारे बालों के लिए। आप इसको वीक में 2 बार ज़रूर यूज़ करना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। इसमें हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है, फ्लैक्स सीड जेल, कैस्ट्रो ऑयल, कोकोनट ऑयल, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे बालों के ग्रोथ को बढ़ाता है, हमारे हेयर फॉल को ख़त्म करता है और हमारे बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाने में हेल्प करता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दे, शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ऐसे बहुत सारी इजी और इफेक्टिव होम रेमेडी देखने के लिए।